ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि जब हम दूसरों की कमियां सुनाते हैं तो एक उंगली सामने वाले की तरफ होती है, चार किधर है? अपनी तरफ है। तो उसके अंदर एक गुना कमी और हमारे अंदर चार गुना कमी हो गई। तो परिवर्तन पहले किसको करना होगा? क्योंकि सारे तनाव की जड़ है हम दूसरों की कमियां कमजोरियां देखते हैं। ये सारी कमी कमजोरी अब मेरे ऊपर अर्पित कर दो, तो जो सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला, सबकी चिंता हरने वाला, क्या हमारा बोझ नहीं उठाएगा? तो आज के इस पावन पर्व पर शिव बाबा को अपने मन के सारी दुख अशांति जो बोझ है सब आज अर्पित करके जाएं और शिव बाबा से ये वरदान लेकर के जाएं, क्योंकि परमात्मा से हमने मांगा ही वरदान। तो आशीर्वाद वरदान कब मिलेगा? शिव बाबा कहते अपने ऊपर कृपा करो। हम भगवान से कहते कृपा करो, लेकिन शिव बाबा कहते करो। तो हम करेंगे परिवर्तन स्वयं का, अपने जीवन से अपने आप से प्यार करना सीख लें कि हमें क्रोध नहीं करना, हमें शांत रहना है, खुश रहना है, सबके साथ प्यार से चलना है। हमारे परिवर्तन से यह संसार फिर से स्वर्णिम संसार बन जाएगा। तो वास्तव में ये यादगार पर्व महाशिवरात्रि इसीलिए कहा, क्योंकि सभी देवी देवताओं संत महात्माओं से भी श्रेष्ठ सबका पिता